हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मैं अभी तैयार हुई हूँ नहा धोकर, क्योंकि सुबह सुबह काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सुबह नहा तो लिए थे पर तैयार अभी हुई हूँ। और आज है मकर संक्रांति, वैसे हमारे यहाँ तो सकरात बोलते हैं, तो आप सबको सकरात की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। और अभी मैं, माँ और रितिका के पापा, हम तीनों नहा लिए हैं। रितिका और ईशांत नहीं नहाए हैं अभी। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी 2-3 दिन से तो ठंड वैसे हो ही रही, थोड़ी सी ज़्यादा। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम, सुबह तो नहीं 11 बज गए हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं और माँ, हम दोनों सासू बहू तैयार हो गए हैं नहा धोकर। सकरात को वैसे सुबह उठकर जल्दी नहा लेते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं पैर दबाकर, और थोड़ा बहुत जो कुछ देना होता है वो दे देते हैं अपने हिसाब से, मतलब कि। और मूंगफली रेवड़ी ज़रूर देते हैं, तो मैंने कल मंगवाई थी मूंगफली रेवड़ी, और मैंने थोड़ी सी रखी हैं थाली में। तो बाकी की दोपहर को जाऊंगी मैं दादी सती की धोक लगाने के लिए, तो माँ ने कहा कि मंदिर में चढ़ा कर आना, वो तो जाएंगे दोपहर को। और अभी बस नहाना धोना हुआ है, बाकी का सारा काम अभी बाकी है। तो अभी सबसे पहले तो मैं चूल्हे पर पोछा लगा लेती हूँ। रात को नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है और सूखता नहीं। और फिर सुबह उठते ही चूल्हा जला लिया था, क्योंकि नहाने के लिए पानी गर्म करना था। तो अभी चूल्हा थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है। आँच मैंने सारी निकाल कर एक तरफ रख दी है, छाज में निकाल दी थी, बाद में चूल्हे में डाल लेंगे वापस। तो अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली और इसमें थोड़ी सी तूड़ी मिक्स कर दी है। चूल्हा किनारों पर से थोड़ा सा फूट गया था, तो ये तूड़ी और मिट्टी मिक्स करके ये लगा कर छोड़ दूँगी मैं। गोबर तो अभी हमारे यहाँ था नहीं, हम हमारी भैंस वहाँ पर बांधते हैं, तो अभी उसमें वहाँ पर कौन जाता, नहीं तो थोड़ा सा गोबर भी मिक्स कर लेते हैं और फिर लगा देती हूँ मिट्टी में। पर तूड़ी से ज़्यादा अच्छी तरह से मिट्टी लगती है, चूल्हा बनाते टाइम लगाते हैं हम तूड़ी मिक्स करके मिट्टी में। पोछा लगाते हैं तो गोबर और मिट्टी का लगा लेते हैं, नहीं तो ये पीली मिट्टी मैंने भी घोकर रख दी थी सुबह, अभी इसका पोछा लगाऊंगी मैं तो। और चूल्हा गर्म है तो साथ साथ सूख जाएगा, गर्म गर्म चूल्हे पर मिट्टी लगाते हैं तो साथ साथ सूख जाता है। वैसे तो अभी ये चूल्हा तो मेरा सिमट का है, तो बस इसके ऊपर अभी मैं मिट्टी, गोबर और मिट्टी नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, बस ये पीली मिट्टी का ही पोछा लगा कर छोड़ती हूँ। मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हा फूटता भी थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर थोड़े से दिन के बाद वो मिट्टी उतर जाती है और फिर चूल्हा बड़ा गंदा लगने लगता है। और ये पीली मिट्टी का पोछा लगाते हैं तो चूल्हा ऐसा ही रहता है, फूटता नहीं है बिल्कुल भी। पर हमारे यहाँ बच्चे कभी कभी ये लकड़ी है ना, ये जो बीच में एक छोटा सा सरिया लगा रखा है मैंने कढ़ाइया वगैरह टिकाने के लिए, तो इसे उखाड़ देते हैं। रितिका ने उखाड़ दिया है 2-3 बार, ये ऐसे काम रितिका ही करती है ज़्यादातर। तो लकड़ी बुझाने के लिए बोल देती हूँ मैं चूल्हे में से निकाल कर, और सीधी सरिये को लगा देती है तो ये निकल जाता है। तो अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर ये चूतरा है, इसके ऊपर भी चौका लगा दिया है मिट्टी मिट्टी का, जल्दी सूख जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल पतला पतला चौका लगाया मैंने। गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मिट्टी मिट्टी लगाते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सूखने में हवा लगते ही सूख जाता है। तो अभी चूल्हे पर पोछा मैंने लगा दिया है और रितिका लगा रही है अंदर पोछा, गैस साफ करना है। और बस एक कमरा है ये, इसमें पोछा लगाना है, उरली साइड नहीं लगाया है अभी, वो मैं देखूंगी दोपहर को। और चूल्हे पर पोछा लगाने के लिए ये देखिए मैंने ये यहाँ से मिट्टी ली थी, ये हमने कभी पहले आंगन में मिट्टी गिरवाई थी 2 ट्राली, तो वो पीली मिट्टी है तो बस यहीं से ले लेती हूँ मैं थोड़ी सी मिट्टी। और ये देखिए चूल्हा मेरा सूख भी गया है अभी, बस अभी चूल्हा जला लूँगी मैं, गर्म था चूल्हा बहुत ज़्यादा। तो चलिए खाना बना लेते हैं, आज खाना बनाने में थोड़े से ज़्यादा ही लेट है। और ईशांत अभी नहा लिया है, ये देखिए बस अभी रितिका और रह गई है, रितिका नहा लेगी पोछा लगाने के बाद। तो आज खाने में मैं चना दाल और चावल बनाने वाली हूँ, तो ये पानी मैंने गर्म कर लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और दाल मैंने सुबह भिगो कर रख दी थी, और एक चम्मच हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। और अभी इसमें ये दाल डाल देती हूँ, भिगो कर बनाती हूँ मैं तो दाल, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी इतना अच्छा नहीं है तो दाल इतनी जल्दी से पकती नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने ये दाल भिगो कर रख दी थी, क्योंकि माँ ने कल ही बोल दिया था कि दाल और चावल बनानी है। कई सालों के बाद ये सकरात, चांदनी सकरात बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चांदन और अंधेर बोलते हैं, तो ये चांदनी सकरात आई है, नहीं तो सकरात हमेशा अंधेर में आती थी।
और चांदन में सकरात आती है तो चावल बनाते हैं, तो मीठे चावल बनाऊंगी मैं। तो माँ बोल रही थी कि उजले चावल बनाते हैं, उजले चावल मतलब कि सफ़ेद चावल बनाते हैं, नहीं तो सेवई वगैरह भी बना लेती, खीर बनाने की सोच रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दाल और चावल बना लेते हैं। तो अभी दाल मैंने चढ़ा दी है गैस पर और चूल्हे पर आग जलाकर चावल चढ़ा देती हूँ। और ये लकड़ी मैंने जो चूल्हे में से निकाली थी वही उल्टी लगा दी है फिर से, थोड़ी सी जल्दी सी लग जाएगी आज, नहीं तो आज को सिलगने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अभी पानी गर्म रख दिया और मैं ये चावल धोकर साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं और पानी भी गर्म हो गया था, तो बस चावल डालकर एक बार मिक्स करके और ढककर छोड़ देंगे, चावल हमारे अपने आप बन जाएंगे। और अभी चावल मेरे आधे पक गए हैं और दाल के छूक की भी मैंने तैयारी कर ली है सारी। तो अभी इनमें मैं चीनी डाल देती हूँ, आधे पकने के बाद ही चीनी डालते हैं चावलों में, नहीं तो फिर चावल हमारे पकते नहीं हैं। और मैंने ऐसे अंदाज से चीनी ले ली है, तो अभी चीनी डालकर चीनी को मिक्स करके चावलों को मैं रख दूँगी हीटर पर बनने के लिए। और चूल्हे पर बनाऊँगी अभी मैं दाल, थोड़ी सी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा, लेट हो गए हैं, बच्चों को भूख लगाई है। तो अभी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और तैयारी मैंने सारी कर ली है। तो अभी कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। और अभी तेल हमारा गर्म हो गया है तो जीरा डाल देती हूँ। तेल को मैंने इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया है, नहीं तो फिर कढ़ाई मेरी जल जाती है। और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, हींग ज़रूर डालते हैं चना दाल वगैरह बनाते हैं तो। और अभी ये दो तीन प्याज कट की थी ये डाल दी हैं। तो अभी प्याज मेरी अच्छी तरह से भुन गई हैं, तो अभी इसमें मैं टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। और साथ ही अभी इसमें मैं एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच धनिया डाल दूँगी। हल्दी नहीं डालती हूँ मैं दाल में, दाल उबालते टाइम डाल दी थी, तो अभी नहीं डालूँगी मैं सूख में, बस एक बार ही डालती हूँ। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी मसाले हमारे पक गए हैं ये देखिए। और आज हवा बड़ी तेज़ चल रही है तो धुआं बहुत ज़्यादा है, अभी कई दिन हो गए हवा चलती थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी मैंने ये दाल डाल दी है और रितिका और शांत को दे दी थी खाने के लिए। ये छूकने के बाद दाल खाना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, मतलब कि दाल तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल और कढ़ी तो, पर उबाले हुई दाल ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों बहन भाई एक एक कटोरी दाल ज़रूर लेते हैं और मैं इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भी बनाती हूँ चना दाल। तो ये देखिए दाल अभी लगभग मेरी बन गई है, अभी इसमें मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। चना दाल में तो हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी लगती है दाल फिर खाने में। और अभी हमारे यहाँ हरा धनिया वो भी थोड़ा सा ज़्यादा गया, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डालती हूँ अभी सब्ज़ी में। और अभी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी रोटियाँ, मुझे रितिका के पापा के लिए रोटियाँ बनानी हो, दाल चावल खाना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी रोटियाँ बना लूँगी। तो अभी आटा मैंने गूँथ लिया है और अभी रितिका के पापा चले गए थे माँ को लेकर गम में, तो अभी बस रोटियाँ मैं बना कर रख दूँगी और अभी बच्चे खा लेंगे दाल और चावल। तो ये देखिए दाल हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई थी, तो दाल को अभी मैं डेगची में डाल देती हूँ। और चावल भी बन गए थे, चावल रितिका उतार कर लेकर आई थी, तो मैंने आप सबको दिखाए नहीं। और जल्दी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, आज काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए दाल और चावल तैयार हो गए हैं, चावल हमारे कुछ ऐसे बने हैं। खुले चावल बनाते हैं तो डेगची वगैरह में तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, मुझे कुकर में बनाते हुए चावल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और मीठे चावल हमारे घर में सबको पसंद है, तो मैं लगभग मीठे चावल ही बनाती हूँ, आप सबको कई बार दिखाया मैंने व्लॉग में। तो अभी दाल और चावल तैयार हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, आप सबसे बाद में मिलते हैं। तो अभी रात के 8 बज गए हैं, काम मेरा सारा हो गया है और रितिका अभी सोई नहीं है, लेट गई है क्योंकि अभी इनका काम आता है फोन में। तो अभी तक ये स्कूल का काम कर रही थी, तो अभी मैंने फोन ले लिया, तो अभी ये दोनों बहन भाई सो जाएंगे। अभी लॉकडाउन में 2 साल हो गए हैं, तो बच्चे फोन में ही काम करते हैं और आधा दिन काम करते हैं आधा दिन फोन देखते हैं, ये भी एक बात है। और आज जलेबी बनाई थी, जलेबी खाने में तो अच्छी बनी थी पर देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं लगाई है। 2-3 बार बना ली है, एक बार तो बिल्कुल सही बनी थी और उसके बाद फिर 1-2 बार फिर बनाई, फिर बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, आज पूरा दिन हो गया है, बिल्कुल भी आराम नहीं किया क्योंकि दोपहर को हम चले गए थे दादी सती पर धूप लगाने के लिए, आज 14 है इसीलिए, और फिर सकरात भी थी तो सोचा कि चलो धूप लगा कर आते हैं।
और सुबह शाम काम थोड़ा सा ज्यादा होता है, या इतने ही छोटे छोटे दिन होते हैं आजकल। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।